इस समय राजस्थान सरकार अपने एक फैसले से बेहद परेशान है और इस फैसले का असर ऐसा है कि आम लोग ही अब सड़कों पर उतर आए हैं। न केवल आम लोग बल्कि सरकार के मंत्री भी इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अब इस पर गहलोत सरकार विचार मंथन कर रही है क्योंकि चुनावी साल है और यह फैसला कहीं गले की हड्डी न बन जाए। आखिरकार वो कौन सा फैसला है जिसे लेकर सरकार की मुसीबत बड़ी हुई है, देखिए जयपुर से मनीष गोदा की ये रिपोर्ट। हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां कह देते हैं कि मैं जिला बनाकर जाऊंगा और जिला बनाते हैं, अब भी कहते हैं मैं और जिले बनाऊंगा। मैं समझता हूं कि ये आपाधापी का वातावरण है। राजस्थान में ऐसे आंदोलन हर जिले में हो रहे हैं। खास बात ये है कि कोई राजनीतिक दल के कहने पर आंदोलन नहीं हो रहे, बल्कि नागरिक संगठन ही सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल ये आंदोलन हो रहे हैं नए जिले बनाने के विरोध। राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 19 जिले और 3 संभाग बनाने का विधानसभा में ऐलान किया। कई स्थानों में नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूं। विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने किस जिले का नाम क्या होगा इसका भी जिक्र किया था, और जब वो इन नामों का ऐलान कर रहे थे तो कांग्रेसी विधायक मेजें थपथपाकर खुशी जाहिर कर रहे थे। मगर जैसे ही लोगों का आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस के विधायकों ने ही यू टर्न ले लिया। जैसे जयपुर की सबसे बड़ी तहसील दूधू को जिला बनाने का ऐलान हुआ तो ऐलान के वक्त जो सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मेज थपथपा रहे थे, वो बाद में सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध करते नजर आए। कांग्रेस की सरकार तो जनता की भावनाओं का सम्मान करती है, ऐसे में कहीं टकराव की जरूरत ही नहीं है। यदि कहीं भावना उनकी वो नए जिले में नहीं जाना चाहते तो उनकी भावनाओं का सम्मान दिया जाएगा। दरअसल सभी को इसके नाम को लेकर आपत्ति है क्योंकि अभी ये तहसील जयपुर जिले में शामिल है जो राजधानी भी। ऐसे में दूधू जिला बन गया तो राजधानी का तमगा हट जाएगा। दूधू में सांभर और फुलेरा तहसील को भी शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने सांभर और फुलेरा को नया जिला बनाने की मांग कर आंदोलन छेड़ दिया है। अगर जिला बनाया जाएगा तो सांभर फुलेरा को बनाया जाएगा, पर पहली बार ऐसा हुआ, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये ट्रेलर है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। राजस्थान में आखिरी बार 2008 में प्रतापगढ़ को नया जिला बनाया गया। उसके बाद से ही नए जिले बनाने की मांग लगातार उठ रही, इसलिए सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी राम लुभाया की कमेटी बनाई। कमेटी ने 19 जिले बनाने की सिफारिश की और ऐलान भी हो गया, मगर अब नए जिलों की सीमाओं को लेकर आंदोलन हुए। ना केवल जयपुर बल्कि जोधपुर, खैरथल, दीग, सलुम्बर, गंगापुर सिटी की सीमाओं को लेकर भी विवाद हो रहे हैं। अब इन विवादों को सुलझाने के लिए सीएम गहलोत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सामंजस्य बनाने की कवायद में जुटे, तो बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर। भौगोलिक दृष्टि से जो जिले की मांग 20 वर्ष से चली आ रही थी उनको नजरअंदाज रखा गया और ऐसी मांगे मानने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया जिनके जनता ने कभी मांग की ही नहीं थी। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है क्योंकि मामला सियासी रूप से बेहद संवेदनशील, लेकिन बातचीत में ये जरूर कह रहे हैं कि चुनावी साल में ये विवाद ठीक नहीं है। अब गहलोत सरकार ने जिस चुनावी फायदे के लिए जिले बनाए वो ही जी का जंजाल बनते नजर आ रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।